विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मोटा अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस के रूप में घोषित किया गया था। दुनिया भर में इस खेती के प्रति जागरूकता लाने का जिम्मा भी भारत को सौंपा गया है। भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य सरकार किसानों को मोटे अनाज को उगाने के लिए प्रेरित कर रही है। विधायक सुभाष सुधा मोटा अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए पिपली रोड पर स्थित पाल प्लाजा पैलेस में आयोजित जिला स्तरीय एक दिवसीय किसान मेले में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस किसान मेले की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर प्रदीप मिल ने की। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि देश भर में इस प्रकार के आयोजन कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि भारतवर्ष के किसान देश की संपदा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लेकर जाएं, जिससे आम जनता को इसका लाभ मिल सके। मोटे अनाज के सेवन से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने किसानों से भी आह्वान किया कि वे अपने भोजन में गेहूं व चावल के साथ मोटे अनाज को भी शामिल करें। उप कृषि निदेशक डॉक्टर प्रदीप मील ने किसानों को विभाग की स्कीमों से अवगत करवाते हुए आह्वान किया कि वे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण अवश्य कराएं। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं के पंजीकरण के लिए तिथि 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने किसानों को मोटा अनाज के फायदे से अवगत करवाते हुए उनकी खेती बारे भी अवगत करवाया। कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भटनागर ने खाद व कीटनाशकों के संतुलित प्रयोग पर बल देते हुए प्राकृतिक खेती के बारे में भी अवगत करवाया। डॉक्टर सरिता ने धान की सीधी बिजाई व फसलों के रखरखाव बारे किसानों को जागरूक किया। उद्यान विभाग से कपिल कुमार व कृषि अभियंता कार्यालय से भरत कुमार ने सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी व उनके प्रयोग बारे किसानों को जानकारी दी। उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र मेहता ने मेहमानों का स्वागत किया। मंच संचालन डॉक्टर सुरेंद्र जागड़ा ने किया। इस मौके पर गुण नियंत्रक निरीक्षक डॉक्टर शशिपाल, सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार थानेसर के खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार, शाहबाद से डॉक्टर ओम प्रकाश, लाडवा से डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर गुलाब सिंह व जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण भी उपस्थित थे। देखिए, मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इंटरनेशनल मिलेट्स का जो बनाने का जो एक कार्यक्रम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज मोटे अनाज का किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है, ये डंका अगर बजाया तो हमारे किसान भाइयों ने पैदा करके बजाया। आज देखिए किस प्रकार से हम गेहूँ भी खाते हैं, उसके साथ साथ राइस भी खाते हैं, लेकिन उनकी वजह से हमें शुगर बहुत सी बीमारियाँ रहती हैं, लेकिन हम नहीं कहते गेहूँ भी खाएँ वो भी खाएँ। इसके साथ साथ मोटे अनाज जैसे बाजरा, बहुत सी वैसी फसलें हैं जो आप पैदा करेंगे और खाएंगे, उसके साथ क्या होगा कि आपकी बीमारियाँ भी दूर जाएंगी। अच्छे मैं कहूँगा बाजरा हमें कैल्शियम देता है, इसके साथ साथ जो हमारी हड्डियों को मजबूत भी करता है। ऐसे प्रोडक्ट आज पूरे देश के अंदर जो पैदावार हमारे किसान कर रहे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कि मोटे अनाजों का ज़्यादा प्रयोग करें। यही आज का इस विषय था, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 हेक्टर से कम किसानों के खाते में 6,000 सम्मान निधि डालने का फैसला लिया। आज हम इंस्ट्रूमेंट पर किस प्रकार से इतनी भारी मात्रा में सब्सिडी दे रहे हैं, इसी प्रकार आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान भाइयों के पक्ष में बहुत सी योजनाएँ लेके आए हैं। योजनाओं का मैं कहूँगा किसान भाइयों को फायदा उठाना चाहिए। आज के लिए मैं भाई डीडी प्रदीप जी का, मिल जी का, आदमी मेहता जी का, भाई शशि साहब बहन आई हुई है भटनागर जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और खासतौर पर किसान भैया, आप देखिए यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, इतने किसान भाई यहाँ पर आए हैं, जो कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन जो कार्य हो रहे हैं, देश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन किसानों के प्रति जो कार्य है, उनको सुनने के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद। देखिए ये जो मुद्दा है सरपंचों का, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनकी वार्तालाप चल रही है, और देखिए सरपंच भी अपने भाई हैं, ये बैठ कर हर चीज़ सुलझ जाएगी, बहुत जल्दी का आपस में सुलझ जाएगी। जैसे विधायक जी ने बताया, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बीड़ा उठाया है मोटे अनाज को सारे विश्व में उगाने के लिए। इस वर्ष 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत जिला कुरुक्षेत्र में भी किसानों को जागरूक करने के लिए हम 3 मेले लगा रहे हैं। एक मेला आज है, एक मेला इसके बाद इस्माइलाबाद में है, फिर शाहबाद में है। ये तो एक जागरूक करने का अभियान था, हमने किसानों को जोड़ने के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन आज की गैदरिंग, आज इससे सब किसान उपस्थित हुए हैं, उसे देख के लगता है कि किसान इस खेती को अपनाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं।